भगवत गीता अथ षष्ठो अध्यायः श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम् कार्यम् कर्म करोति यः सन्न्यासी च योगी च न निह अग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान बोले हे पार्थ, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। यम सन्यासमिति प्राहुर् योगं तं विद्धि पांडव न्यहस्यन्नस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तो योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। पार्थ, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढस्तदुच्यते। पार्थ, जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानम् वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। हे पार्थ, अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। हे पार्थ, जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। चितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। पार्थ, सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण के वृत्तियां भली भांति शांत हैं ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है,
अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकांचनः। हे पार्थ, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। सुहृन् मित्रार्युदासेन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशेष्यते। हे पार्थ, सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य और बंधु गणों में धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशेर परिग्रहः। पार्थ, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन आत्मनः नात्युच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरम्। हे पार्थ, शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर और स्थापन करो। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्या योगमात्मविशुद्धये। पार्थ, और फिर उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन् चलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। पार्थ, काया सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को नहीं देखती। प्रशांतात्मा विगत भीह ब्रह्मचार्य प्रतिष्ठितः मनः संयम्यमच्चित्तो युक्त आसीत मत परः। हे पार्थ, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोक कर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। हे पार्थ,
वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के रूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्त मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। पार्थ, दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यदा विनियतं चित्तं आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। हे पार्थ, अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में भली भांति स्थित हो जाता है उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है ऐसा कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। पार्थ, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानम् पश्यन्नात्मनि तुष्यति। हे पार्थ, योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। सुखमात्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यं अतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितिश्चलति तत्त्वतः। पार्थ, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। पार्थ, परमात्मा की प्राप्त रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्त रूप जिस अवस्था में स्थित योगी भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। तम विद्या दुख संयोग
वियोगं योगसंगीतं सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण चेतसा। पार, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। पार्थ, संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निःशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक ले। शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। पार्थ, क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। पार्थ, यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है उस विषय से रोक कर यानी हटा कर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। प्रशांत मन संहेनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांतरजसम ब्रह्म भूतम अकल्मषम। पार्थ, क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतं सुखमश्नुते। पार्थ, वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। पार्थ, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। पार्थ, जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। सर्व
सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। पार्थ, जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह सब प्रकार से मुझ में स्थित रहता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन उवाच, योयम् योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वास्थितिं स्थिराम्। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसके नित्य स्थित को नहीं देखता हूं। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम्, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं। श्री भगवान उवाच, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निःसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। पार्थ, जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। अर्जुन उवाच, आयति ही श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः, अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। कच्छिन्नो भय विभ्रष्टश छिन्ना भ्रमिव नश्यति, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्राह्मण पति। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष
छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान उवाच, पार्थ नैवेह रामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह चेनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। हे पार्थ, योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। हे पार्थ, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार जो यह जन्म है सो संसार में निःसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यत ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। पार्थ, वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात संबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। पार्थ, वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निःसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा सम बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम्। पार्थ, परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर
संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि मतोधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। हे पार्थ, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समेयुक्त तमो मतः। हे पार्थ, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतर आत्मा से मुझको निरंतर भजता है वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठो अध्यायः।